हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका G7 की ऑफिशियल यूट्यूब चैनल टेली प्लस में, जिसमें हम आपको आपके बिजनेस ग्रोथ से रिलेटेड टेली के एडवांस फीचर्स के बारे में बताते हैं। हेलो दोस्तों, आज हम अपने टेली में टेली के ही एक बाय डिफॉल्ट फीचर की बात करेंगे, जिसके थ्रू आप अपने इनवॉइस पे अपना कंपनी का कोई भी लोगो प्रिंट कर सकते हैं। काफी बेसिक सा फीचर है, बट अभी भी काफी लोग जो है टेली में इस फीचर को यूज नहीं करते। अगर आप चाहते हो कि आपका इनवॉइस जो है बाकी इनवॉइसों से एक अलग लगे, आपके लोगों की एक अलग पहचान हो, आपकी कंपनी का एक अलग ब्रांड आपका बने, तो काफ़ी अच्छा फीचर है जिसके थ्रू एक डिफरेंट लुक आप दे सकते हो अपने इनवॉइस को, अपने लोगों को प्रमोट आप कर सकते हो। तो इसके लिए आपने सबसे पहले टैली में जाना है F11 फीचर्स के अंदर। यहाँ पे आपको अकाउंटिंग फीचर्स के अंदर जाना है। इसमें आप राइट हैंड साइड पे देखेंगे अदर फीचर्स में आपको नीचे से सेकंड ऑप्शन दिखाएगा एनेबल कंपनी लोगो, तो इस ऑप्शन को आपने करना है यस। यहाँ पे यस करते ही ये सबसे पहले आपसे पूछता है लोकेशन ऑफ लोगो, मतलब आपका लोगो जो है वो आपने किस लोकेशन पे रखा हुआ है। अब सपोज कीजिए ये मैंने अपने डेस्कटॉप पे लोगो करके एक फोल्डर बनाया हुआ है और इसी के अंदर मैंने अपनी कंपनी का लोगो रखा हुआ है। तो लोगो सेट करने से पहले सबसे पहले मैं आपको इसकी रिक्वायरमेंट बता देता हूँ कि एक क्या क्या रिक्वायरमेंट चाहिए आपको एक परफेक्ट लोगो के लिए। तो टैली के अंदर भी आपको ये बेसिक क्राइटेरिया बता देता है कि क्या क्या एक लोगो के लिए चाहिए। अब जैसे सबसे पहले उसका जो फॉर्मेट होना चाहिए वो आपका BMP या JPG फाइल में होना चाहिए। दूसरा जो इसका मिनिमम साइज होना चाहिए पिक्सल्स में अगर मैं बात करूं तो 96x80। और तीसरा जो लोगो है आपका वो सेलेक्टेड आपके रिपोर्ट्स और सेलेक्टेड वाउचर टाइप पे प्रिंट होके आएगा। तो अब सबसे पहले मैं करता हूं लोगो का पाथ कॉपी। तो पाथ कॉपी करते हुए आपने एक चीज़ ध्यान देनी है कि इसका जो पाथ आप कॉपी करोगे पूरा कॉपी करोगे .jpg तक, मतलब फाइल के नाम के साथ .jpg पूरा कॉपी करके और इसको आपने टैली में यहाँ पे करना है पेस्ट। तो लोगो को सेट करने की कॉन्फ़िगरेशन जो है वो बस इतनी सी है, इसको कंट्रोल ए करके आप कर दीजिए सेव। अब अगर मैं अपना कोई भी प्रिंट निकालूं तो आप यहाँ पे देखेंगे ऑटोमेटिकली मेरा लोगो जो है प्रिंट होके आ जाएगा। एक चीज़ जो आपने ध्यान देनी है, काफ़ी लोग कहते हैं कि हमें ये जो लोगो है इसका साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए या पूरे रो में चाहिए या इस फॉर्मेट में चाहिए। तो ये चीज़ मैं क्लियर कर देता हूँ, बाय डिफ़ॉल्ट टैली जो आप लोगो सेट करोगे उसका साइज भी यही रहेगा, उसकी प्लेस भी यही रहेगी, डायमेंशन भी यही रहेगा, इसमें आप कोई चेंजेस नहीं कर सकते। अगर आपको साइज से रिलेटेड कोई चेंजेस करवाने हैं या डायमेंशन से रिलेटेड कोई चेंजेस करवाने हैं तो कस्टमाइजेशन के थ्रू आप जरूर कर सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट टैली में जो लोगो आप सेट करते हैं उसका जो एक नॉर्मल साइज है वो यही है। तो काफ़ी छोटी सी कॉन्फ़िगरेशन है इस फीचर की और काफ़ी अच्छा फीचर। अगर आप चाहते हो आपका इनवॉइस जो है यूनिक लगे, प्रमोट करना चाहते हो आप अपने कंपनी के लोगों को, अपनी कंपनी को, तो अच्छा ऑप्शन है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट टैली आपको मिल जाता है। तो अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे आप अपने टैली के इनवॉइस पे साइन और स्टैम्प भी प्रिंट कर सकते हैं। एज इट इज़ जैसे आज हमने लोगो प्रिंट किया अपने इनवॉइस पे, ऐसी आप साइन और स्टैम्प भी ऑटोमेटिकली अपने इनवॉइस पे जो है प्रिंट कर सकते हैं। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपका कोई भी डाउट या कोई भी क्वेरी तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए एंड सब्सक्राइब अवर चैनल G7 फॉर मोर वीडियोस। सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन इफ यू लाइक अवर वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर।